हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1, रादर यूनिट नंबर 1। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने पूरा यूनिट कंप्लीट किया था और आज के दिन हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस और सॉल्व क्वेश्चंस दोनों भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले ये सब सॉल्व क्वेश्चंस सॉल्व करके देखे होंगे। देखे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देखे तो आपकी इच्छा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और एक बात ध्यान में रखना, इसके बाहर का किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये पक्की बात। ठीक है, इसलिए इतने क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लीजिए तो आपका काम एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ओके, आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है ये हमेशा ध्यान रखना। आपको पता है नेशनल इनकम होता है NNPFC, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब किसी भी चीज को शुरू करने के लिए अगर GDP पता हो तो बड़े आसानी से शुरुआत हो जाती है, ये हमको पता है। ठीक है, सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन दिया और सब्सिडी दिया है। सब कुछ तो दिया हुआ है, करना क्या है? सबसे पहले निकालो GVA। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड आप निकाल सकते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसा होता है, या GDP, इसको क्या कहते हैं, समेशन वैल्यू एडेड। अब समेशन वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये देखिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है GVAMP। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये सेल आपको दिया हुआ है 700, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकालेंगे तो माइनस 100 आएगा। ठीक है, तो 700 माइनस 100 आपका 600 रुपये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए तो 600 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 350। क्यों इंटरमीडिएट, क्योंकि हम निकालते हैं वैल्यू एडिशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कोई कार और टायर का, तो टायर वाले ने उसका ले लिया होगा अपने नेशनल इनकम में, मतलब नेशनल इनकम में ऑलरेडी टायर इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया 250। अब समझना बात, 250 आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें से आपको नेट वैल्यू एडेड पे आना है तो कैसे आएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके। नेट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आप NFI ऐड करेंगे तो आ जाएगा NNPMP। समझना बात, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं समझा है। ये मेरा आया GVAMP, या इसको मैं GDPMP भी बोल सकता हूँ। अब मुझे आना है NNPFC से, तो दो चेंज करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है और MP से FC आना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर मुझे, और नेट पे भी आना है। देखो बेटा, तीन चीज चेंज करनी, सॉरी, तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक और चीज जो मुझे करना है वो है इनडायरेक्ट, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब करने के बाद मेरा ये फिगर आएगा, तो वही यहाँ पे किया हुआ है और इससे नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी 70 करोड़। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। 10 तो वाला और भी आसान है, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस एक फॉर्मूला पढ़ा था, जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड हमने एक चीज पढ़ी थी, ये देखो, NNPFC और नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस इसको ध्यान में रखो और ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको तो ये चीज पता है बेटा, कोई भी चीज की शुरुआत GDP से कर लो तो बड़ा आसान हो जाता है। GDPMP यानी GVAMP बातें की है। हम कैसे निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमको दिया है, हाँ दिया है 4000, चेंज इन स्टॉक दिया है
देखते 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 चेंजिंग स्टॉक के बारे में नहीं, ऐसा कुछ कहीं दिया नहीं है, चेंजिंग स्टॉक नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब है ही नहीं, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, हाँ सर ये 600 हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, तो से दिस माइनस दिस यानी 3400 ये आ गया जीडीपी एमपी, ठीक है ये देखिए यहाँ तक ही बराबर लिखा। अब जीडीपी से मुझे एनडीपी, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम का फिगर चाहिए, एनडीपी में एमपी आ जाता हूँ, एनडीपी माइनस कर एनडीपी निकालना है ग्रॉस से नेट, अगेन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहाँ गया, 200 माइनस कर दो, ये आ गया एनडीपी एमपी। अब एनडीपी एमपी से मुझे एफसी पे आना पड़ेगा, एमपी से एफसी पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, 500 दिया है, 2700 करोड़ एनडीपी एफसी आ गया, लेकिन मुझे तो एनएनपी एफसी चाहिए। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो एनएफआई नाम की चीज होना, अब एनएफआई अगर है ही नहीं, देख लो यहाँ मुझे कहीं एनएफआई क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, इसका मतलब एनएफआई जीरो है, यानी इस केसेस में एनडीपी एफ सी और एनएनपी एफ सी दोनों एक ही चीज होंगी, क्योंकि एनएफआई अगर जीरो तो यहाँ से यहाँ जाओ, जीरो ऐड करो या जीरो माइनस करो, बात वही आती है, इसीलिए एनडीपी एफ सी, एफ सी इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये एनडीपी एफ सी आपको पता है 2700 रुपये का फिगर है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज दिया हुआ है आपको 800, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया नहीं है, 400 हमको दिया है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस की कैलकुलेशन करें तो 1500 निकल के आता है। और जानकारी अगर आगे चाहिए तो रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट यही ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, देख लो ये भी आपको पता होगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। अब रेंट और इंटरेस्ट के फिगर मुझे दिए हुए हैं, देख लो ये रेंट है ये इंटरेस्ट है, टोटल 700 है, अगर मुझे पता है प्रॉफिट निकालना है ना तो मैं 1500 में से 700 माइनस कर दूंगा ना तो भी काम जम जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 800। आई बात समझ में, यानी 800 यानी ये प्रॉफिट का फिगर है, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछे तो आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है, ठीक है, कंप्यूट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम बढ़िया सिंपल है, वैल्यू एडेड मेथड आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब यहाँ सेक्टर वाइज दिया हुआ है, देखिए बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर, दिस माइनस दिस कर दीजिए कितना आएगा सर 1800, फिर सेकेंडरी सेक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेकेंडरी सेक्टर, दिस माइनस दिस कर दीजिए 2000 आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर 1600 600 गए 1000 आ जाएगा, टोटल अगर मारेंगे 3048 100 आ जाएगा, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे को -30 दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, सबसे पहले आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा जीडीपी, ये आपका आएगा बेटा जीडीपी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये 4800 जीडीपी आ गया और ये जीडीपी एमपी कहलाता है। अब आपको यहाँ से जाना है एनएनपीएफसी पे, तो सबसे पहले तो जीडीपी से जीएनपी पे आ जाओ, जीएनपी एमपी के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और ऐड कर दो तो -30 हो जाएगा आपका, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ग्रॉस पे नेट -470, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी 300 माइनस करेंगे तो ये सब माइनस करने के बाद आपका 4000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये आपका आ जाएगा नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान था, वैसे ही 12th और 13th दोनों आसान है, 12th एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा दिया है फैक्टर कॉस्ट से आपको नेट वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अगेन शुरुआत करना है जीडीपी से, करो जीडीपी यानी जीवी एमपी जीडीपी एक ही बात है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, सेल्स 450, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग -10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे 240 आपका आंसर आएगा, जीवीए आ गया। अब जीवीए से एमपी पे एनवीए पे आना है, एनडीपी पे आना है तो आपको ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, या डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आंसर आ गया, ठीक है देखिए 210, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अब आपको एमपी से एफसी पे आना है, तो 210 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ है 45 माइनस सब्सिडी यानी 30 हो गया नेट इंडक्ट, 210 में से 30 माइनस किए 180 आ जाए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए 13th वाला देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना, दोनों मेथड से निकालना, आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है ये पूरा डेटा दिया है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगेन
एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के पहले मैं इनकम मेथड से निकालना चाहूंगा। इनकम मेथड से क्या करते हैं, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस एनएफआई, ये आपका हो जाता है इनकम मेथड। ये चारों डेटा यहाँ आपको दिया हुआ है, 1200 1820 ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, उसके बाद आपको चाहिए मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 700 भी आपको दिया हुआ है, और उसके बाद जो एनएफआई है 20 ये भी आपको दिया हुआ है। चारों को ऐड कर दिए, नेशनल इनकम आ जाती है एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, आगे चलते, ध्यान देना। अब एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम मेथड से नेशनल इनकम सॉरी 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 इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ गई। अब एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, अगेन प्राइवेट सबसे पहले जीडीपी एमपी आता है, ये एन हो गया, आप इसको एमपी कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नेट दिया है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सबको ऐड करें और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट को ऐड किए तो हमारा जीडीपी एमपी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हमारे को जीडीपी एमपी से एनएमपी एफसी चाहिए क्योंकि हमको नेशनल इनकम निकालना, बराबर है। तो इसमें से हम ऐड करेंगे एनएफआई और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जी एनएमपी एफसी आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन भी, सॉरी एक और चीज, डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट पे भी आना है ना, डेप्रिसिएशन माइनस, ये सब कुछ करने के बाद फिगर आ जाता है 38। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 14 नंबर का तो और भी आसान है, 15th मैं नहीं करूँगा, 15th रिपीट है, 15th क्वेश्चन रिपीट जैसा है, ये करवा देता हूँ रुको जाने में, देख लेते। चलिए 14 देखते हैं। पहले आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट एमपी, बड़ा आसान है। जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना बच्चों। जीडीपी एफसी आपको दिया हुआ ग्रॉस, जी सॉरी जीएनपी एफसी आपको दिया हुआ है 61,500। अब आपको निकालना है जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। चलिए पहले नेट है और डोमेस्टिक, ये देखिए एन और डी का फर्क मिटाना है, सिर्फ एफसी एफसी सेम है, एन और डी का फर्क, नेशनल दिया हुआ है और डोमेस्टिक पे जा रहा है, यानी एनएफआई माइनस करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। एनएफआई दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया गया है क्योंकि डेटा थोड़ा अलग दिया हुआ है, नेट नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए हमको जीडीपी एमपी निकालना तो आता ही है, ठीक है ना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट, ठीक है, दोनों को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस में से नेट हटाना पड़ेगा तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा टोटल आ जाता है 6,100 करोड़। 6,100 करोड़ के बाद इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ऐड करेंगे तो जीडीपी एमपी निकल के आएगा मेरा, ये आ गया जीडीपी एमपी 6,400। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब एक क्वेश्चन और बचता है हमारा जिसका नाम है एनएनपी एफसी, हमको निकालना है एनएनपी एफसी, यानी अगेन इट इज द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले जीडीपी एमपी कैसे निकालते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस प्राइवेट वाला प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट इम्पोर्ट आपको 20 दिया है, हेंस नेट एक्सपोर्ट इज माइनस 20, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है नेट इम्पोर्ट 20 का हो रहा है, यानी माइनस 20 एक्सपोर्ट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपको नेट इंपोर्ट दिया है, नेट इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये 20 यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, नेट इंपोर्ट आपको 20 दिया हुआ है, अब समझ रहे हैं 20 ये नेट फिगर है। अब इंपोर्ट आपका आ गया, एक्सपोर्ट अगर जीरो है तभी ये इंपोर्ट आया, तो एक्सपोर्ट कितना हुआ माइनस 20, समझ आ रही बात। देखिए इंपोर्ट माइनस, ये देखिए इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू 20। अब इंपोर्ट 20 है तो नेट इंपोर्ट 20 हो गया, एक्सपोर्ट जीरो है
अब ये 20 को अगर इधर ले जाते हैं, 0 को अगर आप, मैं आपको बोलूँ एक्सपोर्ट निकालना है, तो एक्सपोर्ट इसको आप इधर ले जाओगे तो एक्सपोर्ट आ जाएगा -12, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ नेट इम्पोर्ट दिया हुआ है। नेट इम्पोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का फिगर दिया हुआ, बराबर है, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारे नेगेटिव में चले गए -20। अब यहाँ पे ये सब कुछ आप अप्लाई करोगे तो 385 करोड़ आपका जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा, ठीक है, 385 करोड़ आ गया। अब आपको एनएनपी एफसी पे आना है, देख लो, ग्रॉस और नेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, डोमेस्टिक नेशनल एनएफआई ऐड कर दिया, अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, यहाँ एक्चुअली दो दिए हुए फिगर, इनकम पेड टू अब्रॉड और नहीं एक ही फिगर दी है, एक फिगर इनकम पेड टू अब्रॉड, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसके अंदर डेप्रिसिएशन, अच्छा ये 30 डेप्रिसिएशन है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड का फिगर आपको दिया है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया ही नहीं है, तो उसको जीरो पकड़ लो, जीरो उसको पकड़ लिया, 20 ये है ही आपका, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, सब्सिडी 100 है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया है क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिया है, देखिए तो जीरो अगेन माइनस सब्सिडी, तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 435 करोड़ आपका आता है एनएनपी एफसी यानी नेशनल इनकम। आई बात समझ में, चलिए आगे चलेंगे। अब कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा और आप लोगों को नोट करना है, ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपको निकालना है, कंजम्पशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट परचेज दिया, एक्सपोर्ट दिया, इम्पोर्ट दिया, एक सिंपल फॉर्मूला बेटा यहाँ ध्यान आता है, आपको मालूम होगा वाई इज इक्वल्स टू, क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला फोर सेक्टर जो हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे पढ़ने वाले हैं, इनकम जो होती है वाई, या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये इतने खर्चे हम करते हैं, या तो कंजम्पशन में करेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कमाई होती, इम्पोर्ट यानी हम खर्चा कर देते हैं, ठीक है। अब समझना ये फिगर से बड़ा आसानी से निकल जाएगा, 750 प्लस आय दिया है 250 प्लस जी दिया है 100 प्लस एक्स माइनस एम यानी 100 माइनस 200 आंसर आ जाएगा 1000। देखिए ये 1000 हमारा नेशनल इनकम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नेशनल इनकम निकालना है और जीडीपी एमपी निकालना है, ठीक है, हम शुरुआती जीडीपी एमपी से करते हैं, तो सबसे पहले हम जीडीपी एमपी निकालते हैं, और ये मुझे सब एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर दिखे दिखे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब यानी एक्सपेंडिचर मेथड से बता, ये बताना चाह रहा है कि आपको ये सॉल्व एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, आई बात समझे, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसा लिख देने का एग्जाम में, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, कम ऑन, आपको निकालना है जीडीपी एमपी, ठीक है, जी डी पी एम पी, अब ये जी डी पी एम पी होता क्या है एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से, देख लो, पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी इसके अंदर हो गया आपका ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो भी, प्लस इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ये भी इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, इसके बाद ग्रॉस रेसिडेंशियल, ये आपको दिया है देखिए, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये भी जोड़ना पड़ेगा, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको जुड़ना पड़ेगा। और क्या क्या दिया हुआ है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी जोड़ना पड़ेगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स तो मैंने ले लिया शायद, और गवर्नमेंट जोड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट परचेस, और नेट एक्सपोर्ट जोड़ना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट 200 माइनस 100, ठीक है, ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये जाके हमारा जीडीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या और ऐड करूं, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इसके अंदर ऐड करता हूं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐड करें, ठीक है, और उसके अंदर और ऐड कर देता हूं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और उसमें ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट आप जानते हो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब ये सब करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी निकल के आएगा। तो चलिए सारे फिगर्स लिख देते हैं। सबसे पहला पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर, 3,500 दिया हुआ है। इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है सर, 900 दिया हुआ है। कैसे आया ये 900 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये समझ लेना। ग्रॉस ये देखिए, ये सारे मिला के मैं 900 बोल रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 300, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 200, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 300, 300, 300, 600 और 200, 800, ये हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और दिया है 100, ये चारों की टोटल मारे तो हमारा 900 आता है। तो यहां से ये 900 का फिगर आ गया, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख लो कितना दिया है, गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1,000, ठीक है, 1,000। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कितना है, 200 माइनस 100, एक्सपोर्ट 200 दिया है, इम्पोर्ट 100 है, ठीक है, यानी पॉजिटिव 100 हमारा फिगर आ जाएगा। अब टोटल मारे तो 4,500 प्लस 5,500 टोटल आंसर आता है 5,500 करोड़। ये आ गया जीडीपी एमपी। और मुझे क्या निकालना है सर, जीडीपी एमपी तो आपको निकालना ही है और साथ ही साथ नेशनल इनकम निकालना। ओके, अब जीडीपी एमपी से पहले निकाल लेता हूं मैं जीएनपी एमपी। इसके अंदर एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, तो एनएफआई कितना दिया हुआ जरा देखेंगे, -50 दिया हुआ, चलिए 5,450 करोड़, ये मेरा आ गया जीएनपी एमपी। अब मुझे आना है एनएनपी एमपी पे, एनएनपी एमपी माइनस कर दो डेप्रिसिएशन कितना, ये यहाँ मत लिखना एग्जाम में, 5,450 माइनस डेप्रिसिएशन कितना होगा आंसर, डेप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया है सर 50, चलिए ये आ जाएगा आपका 5,400, ठीक है। अब आपको इसमें से माइनस करना है, अब आपको आना है समझ लीजिए एनएनपी एमपी आ गया, अब आपको एनएनपी एफसी पे आना है, ठीक है, एनएनपी एफसी इज इक्वल्स टू जीएनपी एम सॉरी आपका एनएनपी आ गया ना, हाँ एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनएनपी एमपी है मेरा 5,400 करोड़, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है क्या, नेट इनडायरेक्ट हाँ दिया है, सब ये रहा 100, सब्सिडी वगैरह दी है क्या, नहीं कहीं कोई सब्सिडी दी दी है, यानी यही नेट है 100 माइनस कर दीजिए, यानी नेशनल इनकम आ गई 5,300 का। आई बात समझ, बड़ा आसान था। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान देना, बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है और इनकम मेथड से भी निकालना है, ठीक है। जीडीपी एमपी आपको निकालना है और जीएनपी एमपी निकालना है, अच्छा, यूजिंग इनकम मेथड एंड शो दैट सेव इज सो दैट इट इज सेव एज दैट ऑब्टेन बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ओके, ठीक है। तो पहले अपन इनकम मेथड से निकालते हैं। अब इनकम मेथड में क्या क्या देखो,
इनकम मेथड में सर इनकम जोड़ते हैं, सर मिक्स इनकम जोड़ेंगे इनकम मेथड में, हाँ जोड़ेंगे। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, वेजेस सैलरी वगैरह, हाँ सर ये रहा वेजेस दिया हुआ है हमारे को। और क्या जोड़ेंगे सर, ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह जोड़ते हैं, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट जोड़ेंगे, रेंट जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जब जोड़ते हैं तो इनकम मेथड आता है। चलिए सॉल्व करते हैं सीधा, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इनकम मेथड से कर लेते हैं क्योंकि तो पोला आई है, पहले इनकम मेथड से निकालो और उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड से सेम आता है हमारे को बताओ, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, तो पहले मैं इनकम मेथड से आप लोगों को निकालता हूं। इनकम इनकम मेथड निकालना क्या, एक बट एक मिनट सर, हमको निकालना है जीडीपीएमपी, बराबर सीधा जीडीपीएमपी निकाल, तो लिखो जीडीपी MP by income method is equals to, सबसे पहले employee compensation, क्या देते हैं employees को, wages या salary, और क्या देते हैं employers contribution towards social system, कुछ अगर और दे रहे हैं तो यहाँ पे दिया है employers contribution वगैरह के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं दिया। ठीक है, वेजेस प्लस सैलरी जो हम लेंगे, और क्या देंगे, प्रॉफिट, बराबर है, और रेंट और इंटरेस्ट यानी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह ऐसा कुछ, प्लस ग्रॉस है इसलिए डेप्रिसिएशन भी जोड़ना पड़ेगा, और एमपी है इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जोड़ना पड़ेगा, बराबर है। अब देख लीजिए कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर मेरे पास वेजेस का फिगर है 6508, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 6508 और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं लिखूंगा बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है मेरा, गोदिका दिखा दिया है कॉर्पोरेट प्रॉफिट, नहीं रेंटल इनकम भी जोड़, रेंटल इनकम इंटरेस्ट इनकम ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, 34 1060 34 1060। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड इनकम और डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी जोड़ना पड़ेगा, 682 806 और 800 682 806 और 800, ये तीनों फिगर और हमको जोड़ना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी फिगर दिया हुआ है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे हैं यहाँ पे 1000 करोड़, और सब्सिडी मेरे ख्याल से नहीं दी है, नहीं सब्सिडी नहीं है, तो हमको 1000 सीधा सीधा जोड़ना है। चलिए एक मिनट, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000, डेप्रिसिएशन हम जोड़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ जोड़ना बाकी रह गया है क्या, नहीं डेप्रिसिएशन ये ना, डेप्रिसिएशन जोड़ा कि नहीं 800, इसकी टोटल कर लेते हैं, तो 3 4 5 6 7 फिगर की टोटल करिए, टोटल करने के बाद मेरे ख्याल से आंसर आता है जो मेरे पास है 10890 करोड़ का आंसर आता है। ठीक है, इसकी टोटल 10890 करोड़ आती है। अब ये आ गया जीडीपी एमपी, अब आपको अगर नेशनल इनकम जीएनपी एमपी निकाल, हालांकि पूछा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा, जीएनपी एमपी पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, जीएनपी एमपी निकालो ना, जीएनपी एमपी डोमेस्टिक नेशनल का फर्क कैसे मिटाएंगे, 10890 प्लस एनएफआई, 10890 प्लस एनएफआई कितना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 40 ऐड कर दीजिए, 10930 करोड़, ये आ गया आपका जीएनपी है। अब यही चीज एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो बोलता है, अब एक्सपेंडिचर मेथड आपको पता है, एक्सपेंडिचर मेथड वही वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड के लिए फिट बैठता है। ठीक है ना, वो देख लीजिए, पर्सनल कंजम्पशन 7314 दिया ही है, 7314 प्लस और कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है,
इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1442, और साथ ही साथ दिया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2196। ठीक है, 1442 प्लस जी हो गया 2196, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फिगर दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट 1346, इंपोर्ट 1408। 1346 प्लस माइनस 1408, अब ये सब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 7314 प्लस 1442 प्लस 2196 माइनस 62। ये सब करने के बाद आंसर आ जाता है 10,890 करोड़। ये आ जाएगा जीडीपी एमपी। आपको जीएनपी एमपी पे आना है तो इसमें एनएफआई ऐड कर दो, आप 40 ऐड करेंगे तो 10,930 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था बेटा, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं और क्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। आज हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट यूनिट को मेरे ख्याल से करीब करीब 2 से 3 लेक्चर आपको लगेंगे, यानी आज थर्सडे, आज को ये लेक्चर आपको दे दिया, फ्राइडे और सैटरडे में या नेक्स्ट संडे आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आप लोग को बोला था 15 अगस्त तक आपका काफ़ी हो जाएगा, तो 15 अगस्त तक आप समझिए आपका सिलेबस 15, 16, 17 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा। ठीक है, थर्ड चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा थर्ड चैप्टर, यानी 4-5 ही लेक्चर का है, और फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर के, उसके बारे में डिटेल ग्रुप पे आपको बता। ठीक है, ध्यान रखना। अब फोर्थ क्वेश्चन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस यूजिंग वैल्यू। अरे फोर्थ बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर। देख लो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन वगैरह यहाँ दिया हुआ है, ये प्राइमरी, देखो कलर वाइज कर देता हूँ, ये प्राइमरी का आउटपुट, ये प्राइमरी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये टर्शरी का आउटपुट और ये टर्शरी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और ये है सेकेंडरी का आउटपुट और ये सेकेंडरी का इंटरमीडिएट, थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया है। तो ये सब माइनस करने के बाद 500 में से 250 जाएंगे, बचेंगे 250, 700 में से 300 जाएंगे, बचेंगे 400, और 900 में से 400 जाएंगे, बचेंगे 500। तो ये हो गया आपका 1150, ये आएगा आपका जीडीपी एमपी। आपको निकालना है जीएनपी एमपी। एनएफआई ऐड कर दो यार, और क्या चिंता है, एनएफआई दिया है, दिया है -20, यानी ये आ जाएगा 1130। सीधा आंसर है, दिस इज योर जीएनपी एमपी। सिंपल बोला ना, बहुत सिंपल है, चलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो और आसान है। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेट। आपको पता है सेल हमको निकालना बड़ा आसान है, नेट वैल्यू एडेड। याद करो याद करो याद करो, क्वेश्चन नंबर 5, हम एन वी ए एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट है, और माइनस फैक्टर कॉस्ट है, यानी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये सारे फिगर दिए हुए आपको क्वेश्चन में, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया है 2000, सेल्स का फिगर आपको निकालना है, पता नहीं है। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ, देखिए चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 में से 100 गए, 500 लेंगे, बराबर है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 3000, लिख लो। माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है भैया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, ये भी माइनस कर दो, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करो। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी कितना है, कितना है, कितना है, कुछ दिया है, सब्सिडीज दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कुछ नहीं है, यानी -200। समझो समझो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो आप, -200 होगा।
माइनस माइनस 200 था, ऐसा करना पड़ेगा। तो सेल्स हमको पता नहीं है, तो सेल्स इसी सेल्स, हाँ ये 2000 यही रहने देता हूँ। सेल्स प्लस ये सारे फिगर देखिए, 500 माइनस 3700 प्लस 200 सेल्स माइनस 3000 इक्वल्स टू 2000। इसको उधर ले जाएंगे तो सेल्स का फिगर आपका आ जाएगा 5000। बड़ा आसान, ठीक है, सेल्स ही हमको निकालना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम, ओ हो, सेम क्वेश्चन है, सेम वैसा के वैसा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ठीक है कर देते हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं मुझे, है ना। चलिए सॉल्व कराता हूँ इसको, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, पहले एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। कैसे होगा एक्सपेंडिचर मेथड से, आप ऐसा एग्जाम में टेबल भी बना सकते हो, देख लीजिए इस मेथड समझ लीजिए। एक्सपेंडिचर मेथड से वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिया हुआ है क्या प्राइवेट फाइनल, हाँ 1000 दिया, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंपोजिशन ऐड का एक्सपेंडिचर ऐड करो, 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 550। ये भी फिगर यूटिलाइज हो गया, और क्या क्या करेंगे कंपनसेशन, ये तो इनकम मेथड, इनकम नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये ऐड करना पड़ेगा 385, और नेट एक्सपोर्ट भी हम लोग ऐड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट यानी दिया हुआ है, हाथ दिया हुआ है सर माइनस 15, ओके यानी प्लस 385, ये क्या फिगर है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, माइनस 15। इसका अगर आप निकाले तो ये आपका एनडीपी एमपी आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का फिगर मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके 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 65, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं दिया, चीज अलग है। और एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको बताया था सीधा सीधा डेप्रिसिएशन वो एनडीपी फिगर निकल के आता है, ठीक है ना। एनडीपी एमपी आपका आ गया 1920। अब आपको निकालना है नेशनल इनकम, तो आप सबसे पहले एनएनपी एमपी निकालिए, इसके लिए आपको एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। एनएफआई दिया हुआ है क्या आपको, एनएफआई तो मिक्स्ड इनकम है, एनएफआई हाँ ये रहा -10, ओके -10 यानी ये हो गया 1910, ये आपका हो गया एनएनपी एमपी। अब आपको आना है एनएनपी एफसी पे, यानी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाना पड़ेगा, माइनस करिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट इनडायरेक्ट 60 का फिगर दिया है, कुछ मत करिए -60 कर दीजिए सीधा सीधा 1850, ये आपका आ गया एन एन पी एफ सी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको दिया है, वो अगर आप ऐड करो अब आपको इनकम मेथड से निकालना है तो आप इनकम मेथड से निकाल सकते हो, ये देखिए इनकम मेथड, इनकम मेथड से अगेन टेबल बना लीजिए, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय 600 आएगा, उसके बाद और क्या लेंगे इंटरेस्ट रेंट मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉय प्रॉफिट, ये चारों 310 200 350 400 ये सारी चीजें आ लेंगे, 310 200 350 और 400 ये सब कुछ लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लो इंटरेस्ट रेंट मिक्स्ड इनकम और प्रॉफिट, ठीक है ये चारों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब इनकी सबकी टोटल होती है बच्चों 1860,
अब ये आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी। अब आपको आना है एनएनपीएफसी जो कि नेशनल इनकम है। क्या करना पड़ेगा, एनएफआई ऐड करना पड़ेगा जो कि -10 है। आपका आंसर आ गया 1885। दोनों का आंसर सेम। आई बात समझ में? ये एक्सपेंड इतने क्वेश्चन अब आप लोगों को करा दिए। अब मुझे नहीं लगता एग्जाम में बेटा आप लोगों को कोई किसी तरह की तकलीफ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 नेक्स्ट लेक्चर लगेंगे आपको हमारा, हम सेकेंड यूनिट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कीन्ज़ियन थ्योरी। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर इसको लगेंगे। बहुत सिंपल है ये भी, इसमें प्रॉब्लम्स कम है लेकिन समझने वाले कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। टिल देन बाय।